कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे खाद्य बाजार के बारे में, जानेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, खाद्य तेल बाजारों में क्या कीमतें चल रही है, सरसों सीड की अब विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सरसों सीड के बाजार के बारे में बात करते हैं। आज हल्की सी नरमी आज सरसों के दाम में देखी गई है। लगभग 25 से लेकर 50 रुपए तक की गिरावट आने के बाद आज की कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो दिल्ली का जो रेट है वो 5600 चल रहा है। हिसार की कीमतें 5200 रुपए देखी जा रही हैं, 100 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। जयपुर का रेट बाजारों में 5900 रुपए आप देखकर चल सकते हैं। बरवाला की कीमतें बाजारों में 4600 से लेकर 5200 के बीच मार्केट में देखकर चल सकते हैं आप। इसके अलावा सलोनी शमशाबाद में प्लांटों में भी नई सरसों के दाम में गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद का रेट 6250 से 25 रुपए तक की गिरावट आई है बाजारों में। यहां पर सलोनी डिग्री कीमतें 6250 से 25 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई है, और सलोनी अरवल का रेट 6300 रुपए है, जिसमें भी 25 रुपए तक की गिरावट के साथ मार्केट में कारोबार देखा गया है। उत्पादक राज्यों में आज मौसम साफ है, और मौसम साफ रहता है तो आने वाले समय में आवक बढ़ेगी और हल्की नरमी आपको सरसों सीड में देखने को मिल सकती है। और घरेलू बाजारों में फिलहाल के लिए सरसों तेल और सरसों खल में भाव इस वक्त स्थिर नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नरमी बाजारों में नहीं देखी गई है। हालांकि आज हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24.